हमारे राष्ट्र में 70 सालों में ये माना गया है कि संस्थागत भ्रष्टाचार कांग्रेस की राष्ट्र को एक देन रही है, लेकिन लगभग 24 घंटों में विविध समाचार सूत्रों के माध्यम से जनता के सम्मुख जो नए तथ्य आए हैं वो इस बात को दर्शाते हैं कि किस प्रकार से गांधी वाड्रा परिवार ने पारिवारिक भ्रष्टाचार को परिभाषित किया है। एक समाचार सूत्र के माध्यम से राष्ट्र के पास जानकारी पहुंची, एचएल पावा नाम के एक सज्जन जिनके यहां ईडी की रेड हुई, उनकी रेड में राहुल गांधी के साथ लेन देन के कुछ दस्तावेज पाए गए। जमीन की खरीदारी से संबंधित इन दस्तावेजों में ये बात उभर कर आई कि एचएल पाहवा जी इनके साथ राहुल गांधी का क्या आर्थिक संबंध है। हरियाणा में राहुल गांधी एचएल पावा से जमीन खरीदते हैं, जमीन की खरीद फरोख्त में राहुल गांधी के प्रतिनिधि महेश नागर बनते हैं। पत्रकार मित्रों को याद होगा ये वही महेश नागर हैं जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के लिए भी हरियाणा और राजस्थान में जमीनें खरीदी। पत्रकारों को यह भी याद होगा कि ये वही महेश नागर हैं जिनके संदर्भ में हरियाणा और राजस्थान में खरीदी हुई जमीनों के बारे में रॉबर्ट वाड्रा पर इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। जो तथ्य समाचार सूत्रों के माध्यम से प्रस्तुत हुए उसमें श्रीमती वाड्रा का भी उल्लेख है। एचएल पाहवा के साथ जमीन की खरीद फरोख्त न सिर्फ राहुल गांधी ने की बल्कि श्रीमती वाड्रा के संदर्भ में भी कागजात पाए गए हैं। एचएल पाहवा के यहां रेड में हुए जिन दस्तावेजों के बारे में समाचार सूत्रों में राष्ट्र को जानकारी मिली उसमें चौंका देने वाली बात यह थी कि एचएल पाहवा के पास जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे। 50 करोड़ से ज्यादा एचएल पाहवा को राहुल गांधी और श्रीमती वाड्रा की जमीन की खरीद फरोख्त के लिए पैसे दिए एक सज्जन जिनका नाम सीसी थंपी है। आप सबको याद होगा सीसी थंपी पर भी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीसी थंपी की मित्रता रॉबर्ट वाड्रा आर्म्स डीलर संजय भंडारी के साथ स्थापित हो चुकी है। कल जो दस्तावेज पब्लिक में प्रस्तुत हुए उसमें अब साफ नजर आता है कि यूपीए की सरकार के वक्त पेट्रोलियम से संबंधित एक सौदे में और रक्षा से संबंधित एक सौदे में संजय भंडारी सीसी थंपी के तार जुड़े हुए हैं। पेट्रोलियम और रक्षा सौदे की जांचों में
पैसे का ट्रेल न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा तक पहुंचा बल्कि अब देश जान पाया है कि जीजाजी के साथ साले साहब भी इस फैमिली पैकेज भ्रष्टाचार के में लिप्त हैं। आज इन तथ्यों को पढ़ने के बाद जनता शायद समझ पाई है कि डिफेंस के सौदों में राहुल गांधी विशेष रुचि क्यों ले रहे हैं। उनका इंटरेस्ट मात्र राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और पारिवारिक है। राहुल गांधी जी को अब जनता को बतलाना होगा कि एचएल पावा के साथ उनके श्रीमती वाड्रा के विशिष्ट संबंध जमीन के मुद्दे पर क्यों हैं। कांग्रेस को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट 2012 में जो निकली उसमें जो विश्लेषण हुआ महेश नागर का, उसके संदर्भ में यह भी जवाब देना पड़ेगा कि क्या महेश नागर के भाई ललित नागर को खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार के संदर्भ में शिष्टाचार को देखते हुए क्या कांग्रेस ने हरियाणा में विशेष टिकट दी। अब तक ये माना जाता था कि संजय भंडारी जो आर्म्स डीलर हैं उनका संबंध मात्र रॉबर्ट वाड्रा के साथ है, लेकिन अब देश की जानकारी में आया है कि यह संबंध रॉबर्ट वाड्रा के साले साहब राहुल गांधी तक भी पहुंचता है। भ्रष्टाचार में जीजा साला की क्या मिलीभगत है संजय भंडारी, सीसी थंपी, एचएल पावा के साथ जो समाचार सूत्रों के माध्यम से राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं, इस पर अब राहुल गांधी को देश को जवाब देना होगा। Now in English, it was known in our country that institutionalizing corruption was the very essence and ethos of the Congress party. Yesterday, news reports brought to fore the family package of corruption emanating from the Gandhi-Vadra nexus. Newspapers, channels, and other mediums of news have brought to the fore a relationship between a gentleman, H.L. Pava, and Sri Rahul Gandhi. Sri Gandhi, on the basis of this newspaper report, has procured land from Mr. H.L. Pava through a conduit, a representative Mahesh Nagar. Our friends in the media are aware that Mahesh Nagar also represented Robert Vadra in land purchases under investigation in the states of Haryana and Rajasthan. Shockingly, what was also brought to light was the connection between H.L. Pava and Srimati Vadra with regards to purchase of land. News reports highlight the financial inability of H.L. Pava to get into a financial arrangement with the Gandhi Vadra family. However, to support the financial relationship, reports have suggested that Mr. H.L. Pava was suitably financed and supported by C.C. Thampi.
Investigations have found a money trail between CC Thampi HL Power amounting to rupees 54 crores. CC Thampi is a name that figures in investigations with regard to not only a petroleum deal under the UPA, but also financial violations with regards to land transactions in Delhi NCR amounting to 280 crores and above. A relationship between CC Thampi Sanjay Bhandari, arms dealer, is already publicly known and established. As you are aware, Sanjay Bhandari, an arms dealer with close links to Robert Vadra, is also under investigation for defense deals and his desperate desire to be a party to the ill-gotten fruits of corruption under the UPA regime. One presumed till now, given facts in the public domain, that a commercial interest relationship existed only between Robert Vadra and Sanjay Bhandari. But the new facts which have come to the fore clearly establish a relationship between Rahul Gandhi and arms dealer Sanjay Bhandari. Hence, the nation has come to a conclusion that Rahul Gandhi's intervention in the defense preparedness of our country stems from his pursuit not only of individual politics, but his personal commercial interests, his personal family interests. Rahul Gandhi needs to answer to the country, what is this special commercial relationship he shares between arms dealer Sanjay Bhandari, CC Thampi, and HL Power? Why is it that land which is owned and purchased by Rahul Gandhi is funded by an arms dealer? I would now leave the floor open for questions. Devendra Parasar. बिल्कुल जो नए थत्य आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से सम्मुख आए जनता के उसमें इस बात का भी उल्लेख है आज इस सभागार में भी एक ऐसे पत्रकार बैठे हैं जिनका नाम नहीं ले रही हूं जिन्होंने पहले भी यूरोफाइटर के लोगों से राहुल गांधी ने कैसे मुलाकात की उसके बारे में पब्लिकली लिख चुके हैं वो जिस रिपोर्ट के कुछ अंश मैंने आज इस पत्रकार परिषद में दिखाए वो भी इसकी पुष्टि करते हैं प्रतिस्थापित करते हैं कि यूरोफाइटर को डील मिले इसमें राहुल गांधी की निजी आर्थिक इच्छा थी उनकी पॉलिटिकल के साथ साथ पर्सनल इक्विटी थी अदिति I'm of the opinion that the Times Now report that you speak of, you need to go to every so-called alliance member, though they are not many, of the UPA and ask them, would they support a family nexus of corruption? A nexus which is so steeped in the DNA of the Congress Party that they are willing to sacrifice the security interest of their country for personal financial family interests. Will any member of the UPA today stand with the Gandhi-Vadra nexus of corruption? Aditi, time's up. Ho gaya. Ho
final republic. Rahul Gandhi's obsession with the Prime Minister is well understood. His delusions about the Prime Minister are well debated. The Prime Minister meets people not only of his constituency but citizens across the country, personally one-on-one, and also through digital conferences, video conferences, which are available for public viewing. The Prime Minister has on many an occasion also spoken to members of the press, also partaken in conclaves, including the one that has been hosted by your channel. So, like I said, the delusions of Rahul Gandhi have been answered to. This is just a way that Rahul Gandhi evades question about the family package of corruption. Today, Rahul Gandhi was asked by a young citizen about the role of Robert Vadra. He chose to use Narendra Modi as a shield. We can imagine the embarrassment Mr. Vadra causes Mr. Gandhi. But today, Rahul Gandhi has become a huge roadblock for the Congress party itself. Logon ko lagta tha ki corruption mein sirf Robert Vadra lipt hai. Aaj ye tathya jo samne aaye hain usse pata chalta hai Robert Vadra to corruption ka sirf ek mukhota hai. Asli chehra piche corruption ka Rahul Gandhi swayam hai. I myself have worked in a constituency where I have witnessed Mr. Gandhi and the troika of corruption usurp lands of farmers in Amethi. That Mr. Gandhi has interest in land acquisition for his personal benefit is not something new to BJP workers or, for that matter, citizens of his own constituency. What is appalling is the extent that Mr. Gandhi will go to for his own personal interest. So much so that he is willing to sacrifice the defense preparedness of our country only so that his friend Sanjay Bhandari can have a hand in the cookie jar. Like I said, today Mr. Gandhi needs to answer. Is he smarting from the defense preparedness of our country because his friend Sanjay Bhandari did not get a defense deal? मुझे लगता है कि आज कांग्रेस के अध्यक्ष के संदर्भ में विशेष संजय भंडारी, सीसी थंपी, एचएल पहवा के साथ उनके क्या रिश्ते हैं उस पर स्वयं राहुल गांधी को बिना स्टेज किए एक पत्रकार परिषद करनी चाहिए और विशेष उन पत्रकारों को जवाब देना चाहिए जिनके पास पहले से सवाल उन्होंने सुनिश्चित नहीं किए हैं. These topics that I have presented to you have come through news agencies, newspapers, news websites, and news channels. They are a part of information available in the public domain. Since I do not represent the investigative agency, it would be, I think, not proper for me to represent them or speak on their behalf. I am sure, given evidence that is available to investigative agencies, given the judicial process that will ensue, justice will be done. But answers should be forthcoming from Mr. Gandhi as to why he has a special relationship with arms dealer Sanjay Bhandari. Did he sell away the needs of defense of our country for small parcels of land? Vikas Bhadauria. जैसा कि मैंने कहा, न्यूज़
के संदर्भ में और विशेष एक पत्रकार महोदय जो इस सभागार में उपस्थित हैं, उन्होंने स्वयं अपनी इन्वेस्टिगेशन से इस बात को उजागर किया कि किस प्रकार से यूरोफाइटर के प्रतिनिधियों से राहुल गांधी स्वयं मिले हैं। यह भी कहना उचित होगा कि वर्तमान में ईडी के साथ साथ बाकी जांच एजेंसीज संजय भंडारी पर जो इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं उनमें से एक डिफेंस के सौदे के संदर्भ में हुआ है। यह भी कहना उचित होगा कि राफेल की फाइलों के संदर्भ में जब संजय भंडारी की चर्चा होती है तो डिफेंस डिपार्टमेंट से फाइलें चुराकर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स को कैसे इन्फॉर्मेशन दी जाए उसके बारे में भी संजय भंडारी का इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। यह भी कहना उचित होगा कि संजय भंडारी रॉबर्ट वाड्रा के मध्य में रिलेशनशिप पहले ही बेनामी प्रॉपर्टीज लंदन में है उसके संदर्भ में स्थापित हो चुकी हैं। आज जो पत्रकार वार्ता हमने की है उसमें हमने दिखलाया कि रॉबर्ट वाड्रा का मात्र संबंध नहीं है संजय भंडारी के साथ, बल्कि पत्रकारों के माध्यम से जो जानकारी पब्लिक में आई है उसमें राहुल गांधी स्वयं एक आम डीलर के फाइनेंस के माध्यम से जमीन खरीद पाए हैं। ये तथ्य अब जांच एजेंसीज पर निर्भर है कि किस प्रकार से वो इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से न्यायपूर्वक नतीजे पर पहुंचे, लेकिन राहुल गांधी को अब जवाब देना पड़ेगा कि उनके और संजय भंडारी के मध्य में ये विशेष रिश्ता क्या है। जेपी यादव, यस, I will only say this, sir, because I have not heard Mr. Hegde's statement first hand. It would be inappropriate to comment. But when it comes to commenting against women in politics, I have been at the receiving end of none other than same team Rahul Gandhi, including Srimati Vadra's brother-in-law. Aditi, time's now, last question. It is Rahul Gandhi who is hiding behind Robert Vadra now. It is time that Saleh Sahab ko, jo bhrashtachar mein Rahul Gandhi ne ab tak lanchan sehne diye, Saleh Sahab khud janta ke saamne aar bataein ki raksha saudo mein unki itni ruchi kyun hai. Saleh Sahab khud ab janta ko bataein ki kya desh ki suraksha ko chand rupiyon ke liye, land ke liye, Rahul Gandhi ne kya shaheed karne ka prayas kiya. It is for Rahul Gandhi now to answer, instead of hiding behind Robert Vadra, what is his special and strategic relationship with Sanjay Bhandari? How much of his interest lies in the defense preparedness of the country, so much so that he is willing to sacrifice Indian interests for a few parcels of land? Thank Himanshu, you so much. Himanshu. Yeah, Himanshu. Himanshu. मैं इतना ही कहूंगी कि आज एक तो मैं जानती नहीं हूं कि रिपब्लिक से बात भी करेंगे राहुल गांधी या नहीं, लेकिन मैं चाहूंगी कि आज जितने तथ्य दो दिन में बाहर आए हैं उनके बारे में कम से कम राहुल गांधी स्पष्टीकरण दे दे। ऐसा क्या विशेष रिश्ता है एचएल पाहवा, महेश नागर, सीसी थंपी और संजय भंडारी के बीच में कि घर न सिर्फ जीजा जी को मिलता है बल्कि साले साहब को भी जमीन मिलती है। बहुत बहुत